हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं पावर हाउस इफेक्ट। लेट्स टॉक सिनेमा। तो मैं आज मूवी रिव्यू करने वाला हूं द बॉडी की, जो एक स्पेनिश मूवी एल सियोरपो से पूरी की पूरी कॉपी है, ऑफिशियल कॉपी है, बेस है। उसका इंग्लिश नेम भी द बॉडी हुआ और ये 2012 में आई थी, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया था ओरियल पॉलोम ने। वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम स्टोरी लाइन को इस मूवी में लिया गया है विथ माइनर चेंजेस टू सूट इंडियन ऑडियंसेस। तो क्या ये मूवी वर्थ इट है? लेट्स फाइंड आउट। एक बेस स्टोरी, एक कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट वाइज मूवी अच्छी थी, लेकिन एंड तक जाते जाते ज्यादा पैची हो गई। आई डिडंट लाइक द एंडिंग ऑफ द मूवी। शुरुआत इस मूवी की बहुत अच्छी थी, फर्स्ट हाफ मूवी का बेहतरीन था, जिस लेवल पर जाकर इंटरवल हुआ था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद काफी सारी ऐसी चीजें थी जिसे अनएक्सप्लेन्ड रहने दिया। मैंने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है, बट आई डोंट थिंक उन्होंने भी अनएक्सप्लेन्ड रहने दिया होगा। जीतू जोसेफ जो है वो दृश्यम के लिए जाने जाते हैं, दृश्यम एक बहुत कमाल की मूवी थी, लेकिन यहाँ पर जीतू जोसेफ गलती कर गए, बहुत सारी गलतियां हैं मूवी में। द मेन थिंग इज, जब एक थ्रिलर मूवी होती है उसमें गाने ना हो तो वो बेटर होता है, यहाँ पर गाने हैं और वो बहुत इरिटेट करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन को फॉलो किया जाए तो, लिंक टूटती है। जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट हाफ काफी अच्छा था, लेकिन सेकेंड हाफ में हर चीज मैसअप हो गई। द रियल रीजन बिहाइंड ऑल दिस वॉज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, इसलिए और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं स्क्रीन प्ले पे आता हूँ। तो स्क्रीन प्ले इस मूवी का फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से स्टोरी को बांध के रखा हुआ था, धीरे धीरे अपने हिसाब से डायरेक्टर जो है वो एक एक कड़ी खोल रहे थे, और एंड में जाके वो सब कुछ बदल जाता है, सेकेंड हाफ में जाके वो सब मैसअप हो जाता है। स्क्रीन प्ले भी काफी फेक लगता है। अगर एक छोटे से शब्दों में कहूँ तो ये ओरिजिनल मूवी की एक बहुत ही बेकार रीमेक है। सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की ठीक ठाक है, ये मेनली दो लोकेशन में शूट हुई है, पोर्ट लुइस में और मुंबई फिल्म सिटी अंधेरी में। काफी सारे ऐसे लोकेशंस हैं जो मुंबई फिल्म सिटी में अंधेरी की दिखती हैं, मैंने विजिट किया है तो मैं जानता हूँ कि कौन सी लोकेशन हो सकती है, और मैं जानता हूँ कौन सी लोकेशन थी। मैं बुरा ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वो लोकेशन मुंबई फिल्म सिटी की थी एंड पोर्ट लुइस की थी। म्यूजिक इस मूवी का बहुत बेकार है, एक भी गाना मुझे पसंद नहीं आया। मूवी में बिल्कुल डिस्ट्रैक्टिंग अगर कुछ है तो वो म्यूजिक है, एक भी सॉन्ग ढंग के नहीं है। अगर बिना सॉन्ग की होती, बैकग्राउंड स्कोर जो था वो ठीक था, लेकिन म्यूजिक जो सॉन्ग थे वो इररिलेवेंट थे। एक्टिंग वाइज इमरान हाशमी ने अच्छी एक्टिंग करी थी, लेकिन एंड में जाके जैसा मैंने कहा सब मैसअप हो गया, तो आई गेस एक्टिंग पे भी बहुत फर्क पड़ा है उसका। ऋषि कपूर इज रियली ब्रिलियंट इन द मूवी, उन्हें ऐसे कैरेक्टर्स में देखना आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, ही इज अ रियली गुड एक्टर। सोभिता धुलीपाला, उन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग करी है, मुझे उनकी एक्टिंग मेड इन हेवन में ज्यादा पसंद आई थी, यहाँ पर उनकी ठीक ठाक एक्टिंग है। इसके अलावा वेदिका जो है उनकी भी ठीक ठाक एक्टिंग है, तो ओवरऑल एक्टिंग डिसेंट है। ऋषि कपूर सर बहुत अच्छे हैं, उसके अलावा सभी की एक्टिंग डिसेंट है। कास्टिंग बहुत अच्छी थी, कास्टिंग मूवी की बढ़िया थी, सभी एक्टर्स जो थे उनको बहुत परफेक्टली फिट हुए थे वो। डायरेक्शन वाइज जीतू जोसेफ इस बार काफी सारी मिस्टेक्स कर गए, मे बी हमने ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि दृश्यम इज अ बेंचमार्क फॉर दिस काइंड ऑफ मूवीज, तो एक थ्रिलर जॉनर में दृश्यम हमेशा हम सभी को याद रहती है, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि जीतू जोसेफ ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन एंड में जाते जाते कुछ वैसा होने लगा था, लेकिन फिर टर्न अराउंड हो गया सब चीज़ें, और काफ़ी सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन रहने थी जो अगर एक्सप्लेन करते तो ज़्यादा बेटर लगता। मूवी को जानबूझकर स्कैरी बनाने की कोशिश करी, अगर स्कैरी की जगह थोड़ी ज़्यादा थ्रिलर बनाते तो बेटर लगता। ओवरऑल ये मूवी आप अवॉइड कीजिएगा,
मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, ये नेटफ्लिक्स पर आएगी तब आप बिल्कुल देख लीजिएगा इसको। तो मैं इस मूवी को देता हूँ 2 out of 5 stars। आई थिंक ओरिजिनल मूवी ज्यादा बेटर होगी क्योंकि रीमेक किया है तो ओरिजिनल हमेशा अच्छी ही होती है। ये मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं है, जस्ट अवॉइड इट। इमरान हाशमी के फैन हैं तो आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं जाके, कोई इशू नहीं है। बट काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी जीतू जोसेफ जी से और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। तो बस यही था इस रिव्यू में। अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा के जाना, रेड से ग्रे हो जाना चाहिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बी हैप्पी बी सेफ, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, एनवायरमेंट का ख्याल रखो। जय हिंद जय सिनेमा।